आज की रेसिपी रसमलाई की है जिसे मैं बिना गाय के दूध के बना रही हूँ। हम 1 लीटर सोय मिल्क का दूध लेंगे और मीडियम हीट पर उसे तेज गर्म कर लेंगे। जब दूध तेज गर्म हो जाए तो छेना बनाने के लिए उसमें 2 चम्मच सिरके के डालेंगे। धीरे धीरे दूध को हिलाते रहें और कुछ ही देर में दूध फट जाएगा और छेना तैयार हो जाएगा। अब एक बर्तन पर छन्नी रखेंगे और छेना को छान लेंगे। अगर दूध ना फटे तो थोड़ा सा सिरका और डाल सकते हैं। जब सारा पानी निकल जाए तो एक बार फिर साफ पानी से छेना को धो लेंगे और एक खुले बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब छेना को 4 से 5 मिनट तक मलमल कर एकदम सॉफ्ट बना लेंगे। जब मिक्सचर एकदम सॉफ्ट और क्रीमी हो जाए, लगभग सफेद मक्खन जैसा, तब आपका छेना तैयार है। अब इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे, जो कि ऑप्शनल है, पर कॉर्नफ्लावर डालने से जब छेना हम चाशनी में पकाएंगे तो वो बिखरेगा नहीं। जब छेना तैयार हो जाए तो हम इसकी टिक्कियां बना लेंगे। आप इसकी छोटी या बड़ी टिक्कियां भी बना सकते हैं। सारे छेना की ठीक ऐसे ही टिक्कियां बना के तैयार कर लें। चलिए अब चाशनी बनाते हैं। 1 पैन में 1 कप चीनी और 4 कप पानी डाल लेंगे और फिर चीनी को डिसॉल्व होने देंगे। जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तब इसमें 1-1 करकर छेना की बनी हुई टिक्कियां डालना शुरू कर देंगे। अब ढक्कन लगा देंगे और मीडियम हीट पर ही छेना को 15 मिनट तक के लिए पकाएंगे। चलिए जब तक छेना तैयार हो रहा है तब तक रसमलाई के लिए दूध बना लेते हैं, जिसके लिए मैं 1 लीटर काजू का दूध ले रही हूँ। दूध को अब हम मीडियम हीट पर गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब इसमें कटे हुए काजू, बादाम और पिस्ता डाल लेंगे। अब केसर, जिसे मैंने पहले से ही दूध में भिगोकर रखा था, और इलायची पाउडर डाल रही हूँ। कुछ देर पका लेंगे और जब दूध गाढ़ा हो जाए तब इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे और चीनी को घुलने तक पकाएंगे। 15 मिनट बाद अब रसमलाई तैयार है, जिसे हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। जब रसमलाई रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो करछी की मदद से उसे हल्के हाथ से दबाते हुए चाशनी निचोड़ लेंगे और फिर दूध में ट्रांसफर कर लेंगे। तैयार रसमलाई को सर्व करते हुए कटे हुए पिस्ता के साथ गार्निश कर लेंगे। रसमलाई बहुत ही अच्छी बनी है। आप इस रेसिपी को जरूर बनाना और कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसी कई स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए आप पीपल फार्म वीगन किचन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।